नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है साहिल और आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल साहिल फ्रेडिस। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को एक एंड्रॉयड टीवी बॉक्स की अनबॉक्सिंग करके इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। साथ ही साथ दोस्तों, इसी वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बॉक्स को लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, मेरे पास बहुत सारे अनबॉक्सिंग के प्रोडक्ट मैं मंगाता रहता हूँ और मुझे जो अच्छा लगता है वही मैं बोलता हूँ कि आप लो या न लो। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, हमारे पास कुछ गिवे हैं, मैं कुछ एंड्रॉयड टीवी बॉक्स को गिवे करने वाला हूँ। तो इस बॉक्स इस वीडियो को पूरा देखे, कमेंट भी जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, ये पैकिंग है और इस पैकिंग को हम कुछ इस प्रकार से खोलेंगे। ये देखिए, ये देख सकते हैं दोस्तों आप लोग, टीवी बॉक्स 4K अल्ट्रा HD और उसके बाद एंड्रॉयड टीवी बॉक्स, मल्टीमीडिया गेटवे, इंटरनेट, यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, फेसबुक, ट्विटर, मिररकास्ट, डलाना, एयरप्ले, 4K और ये देख सकते हैं आप लोग, ये इतना ज़बरदस्त ये बॉक्स है। इसको मैं यहाँ से हटाऊंगा, ये देख सकते हैं, ये देखिए, इसे जब हम अनबॉक्स करेंगे तो कुछ इस प्रकार से ये दिखेगा। ये जब आप खोलेंगे तो यहाँ पे आपको यहाँ पे चार्जर वगैरह होगा। तो ये दोस्तों, ये देख सकते हैं अपना 4K अल्ट्रा HD एंड्रॉयड बॉक्स है। ये देख सकते हैं MXQ 4K, ये देख सकते हैं आप लोग। उसके बाद से बड़ा ही लाजवाब है ये। इधर आपको मेमोरी कार्ड की जगह भी मिल जाती है यहाँ पे, ये देख सकते हैं, SD कार्ड, MMC कार्ड। उसके बाद से USB 1, 2, 3, ये तीन पोर्ट यहाँ पे दिए हैं, देख सकते हैं। प्लस दोस्तों, एक इधर USB पोर्ट दिया है, चार पोर्ट ये हो गए। प्लस ऑडियो वीडियो का है यहाँ पे जैक। उसके बाद से SPDIF का पोर्ट है, HDMI का है और इंटरनेट आप यहां से लगा सकते हो। उसके बाद से 6-5 वोल्ट की जो एडाप्टर आता है उसे आप लगा सकते हो, 5 वोल्ट इन है। ये देख सकते हो MXQ 4K बॉक्स है ये। खैर दोस्तों, इस बॉक्स को हम यहां रखते हैं और इस डब्बे में देख लेते हैं क्या क्या है। खैर, ये डब्बा कुछ इस प्रकार से ओपन हो रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हमें एक रिमोट दिखता है, ये रिमोट आप लोग देख सकते हो, सेटअप ऐप, माइनस प्लस, टीवी विन और जो फंक्शन होने चाहिए एक रिमोट में वो इस बॉक्स में, इस रिमोट में है। ये देख सकते हैं आप लोग, ये देख रहे हैं आप लोग। उसके बाद से दोस्तों, इस रिमोट को हम यहाँ पे किनारे रखते हैं। उसके बाद से एक एडाप्टर मिल जाता है यहाँ पे, 240 वोल्ट AC। ये रहा दोस्तों आपका चार्जर। इसके बाद से दोस्तों, ये रिमोट आप लोग देख सकते हो। तो दोस्तों, आप लोगों ने देखा, इस बॉक्स को मत लेना आप लोग, कभी भी मत लेना, ठीक है। इसलिए बहुत ही शॉर्ट में मैंने वीडियो दिखाई है कि आप लोगों का टाइम न लगे। दोस्तों, ये बॉक्स बेहद ही घटिया बॉक्स है और इस बॉक्स के बारे में पूरी डिटेल तो मैंने वीडियो में दिखाई दी। ये बॉक्स बेहद ही घटिया बॉक्स है। इस बॉक्स को अगर आप लोगे तो पछताओगे, डाटा भी ज़्यादा जाएगा और आपका टाइम भी बर्बाद होगा। इसमें कोई भी एप्लीकेशन हैंग भी करता है, डेड भी हो जाएगा, बहुत सारी इसमें प्रॉब्लम आएंगी। तो दोस्तों, इस बॉक्स को मत लीजिएगा आप लोग, यही मेरा कहना है आप लोगों से। एंड्रॉयड टीवी बॉक्स कौन सा लें, कौन सा अच्छा रहेगा, उसकी अपडेट तो मैं देता ही रहता हूँ। बहुत सारे ऑप्शन है, H96 मिनी प्लस है, स्मार्ट टीवी बॉक्स है, H9 मैक्स है। उसके बाद से दोस्तों, और भी बहुत सारे बॉक्स है जिनकी अनबॉक्सिंग मैंने अपने चैनल पर दिखाई है, उनमें से आप कोई भी ले सकते हैं।